हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आसमा। वेलकम टू आसमा स्पेशल किचन। आज मैं लेकर आई हूँ कोलकाता स्टाइल चिकन बिरयानी की रेसिपी को, जो कि बहुत ही कम मसालों में बन के तैयार होता है। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा रिच होता है। तो चलिए इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं। कोलकाता बिरयानी बनाने के लिए हमने लिया है 1.5 किलो चिकन। इसको मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया और इसको बड़े बड़े पीसेस में मैंने कटवाया है। 3 से 4 प्याज को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। 1/2 kg आलू, कोलकाता बिरयानी में आलू ज़रूर डलता है और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी के अंदर। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस। इसको 1 घंटे पहले ही मैंने धो के सोख करके रख दिया था। यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुछ मसाले, 1 चम्मच तीखी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच बिरयानी मसाला। यहाँ पे मैं 15 से 20 काजू को फाइन सा पाउडर बना ली हूँ। मैं 100 ग्राम मावा, ये घर का बना हुआ मावा है, 100 ग्राम देसी घी, 1 नींबू का जूस चाहिए हमें, बटर, 200 ग्राम दही, ये घर की बनी हुई ताज़ी दही है, 1 कप दूध, 1/2 कप दूध में गरम दूध में मैंने जैफरान को डाल के रख दिया था कुछ देर पहले, 3 से 4 हरी वाली इलायची, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 तेजपात, 1 दालचीनी का टुकड़ा। यहाँ पे मैंने होममेड बिरयानी मसाला लिया हुआ है। होममेड बिरयानी मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच हरी वाली इलायची, 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च, 1 चम्मच शाही जीरा, 1 जावित्री का फूल, 1 सूखे हुए गुलाब, 1 जायफल, और इसको हमें पीस के पाउडर बना लेना है। और इसका फ्लेवर बिरयानी के अंदर बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इस मसाले को ज़रूर से डालें, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। इसको हम भगोने में बनाएंगे। इसमें हम ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल। इसमें मैं थोड़ा सा सरसों का तेल भी ऐड करूँगी। इन दोनों तेलों से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है बिरयानी के अंदर। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे और इसको हमें हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। इसको हमें बिरिस्ता बनाना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, देख सकते हैं। इसको हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे और इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसको हमें फैला के रख देना है, इसको ठंडा होने देना है। उसी भगोने में हम थोड़ा सा तेल और ऐड करेंगे। इसके अंदर मैं अदरक और लहसुन का जूस निकाल ली थी, उसको ऐड कर दूंगी। मैंने 2 इंच अदरक और 3 से 4 गांठ लहसुन का पीस के मैंने इसको जूस निकाल लिया था छन्नी से छान के। इसके अंदर मैं आलू को ऐड कर दूंगी और मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। 1 चम्मच तीखे लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच बिरयानी मसाला। इसी के साथ मैं थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड करूंगी कलर के लिए, 2 से 3 तेजपात के पत्ते। इसको हम चला लेंगे। इसी के साथ हम 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और इसको हमें लो फ्लेम पे ढक के इसको आलू को पकने तक, गलने तक इसको पका लेना है। अब आलू को चेक कर लेते हैं। आलू अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, देख सकते हैं। इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे अखनी से। इसी के अंदर हम चिकन के पीसेस को भी ऐड कर देंगे। सारे चिकन के पीसेस को हमें ऐड कर देना है इसके अंदर।
अब इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच बिरयानी मसाला। इसको मिक्स कर लेंगे। कोलकाता बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा रिश्ता भी ऐड करेंगे। अब इसको हमें ढक के तकरीबन 10 मिनट के लिए और पका लेना है। 10 मिनट बाद इसको चेक करेंगे, अब देख सकते हैं चिकन के पीसेस अच्छे से पक चुके हैं। अब इसको हमें अखनी से बाहर निकाल लेना है, एक प्लेट में सारे पीसेस को हमें निकाल लेना है। अब इस अखनी को हमें कपड़े की हेल्प से या छन्नी की हेल्प से इसको छान लेना है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम लेंगे कढ़ाई, इसमें हम ऐड करेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम आलू को फ्राई करेंगे। ये वही आलू है जो मैंने इसको पका लिया था, इसको अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है। अब इसी तेल में हम चिकन के पीसेस को भी फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेना है। अब देख सकते हैं चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हमें इसको निकाल लेना है, बाकी के चिकन को भी फ्राई कर लेना है। एक भगोने में मैंने पानी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। अब इसमें हम तेजपात डाल देंगे, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 हरी वाली इलायची और 4 से 5 चम्मच नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर। पानी गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम सोक किया हुआ चावल ऐड करेंगे और इसको चला लेंगे कि तले में ना लगे। अब इसमें हम नींबू का जूस ऐड करेंगे, इससे बहुत खिले खिले चावल बनते हैं। चावल 80% तक कुक हो चुका है। अब इसको हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम छान लेंगे चावलों को। बाकी के 20% अखनी में पक जाएगा। एक भगोने में हम डालेंगे अखनी। अब हम लेयर्स की तैयारी कर रहे हैं। सारे चिकन के पीसेस को हमें ऐड कर देना है अखनी के अंदर। इसी के साथ ही हमें आलू को भी ऐड कर देना है इसके अंदर। इसके ऊपर हम होममेड बिरयानी मसाला स्प्रिंकल करेंगे। इस बिरयानी बहुत ही कम मसालों का यूज़ होता है, अब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये बिरयानी। इसके ऊपर हम काजू का पाउडर को भी स्प्रिंकल कर देंगे। आप एक बार इस बिरयानी को खाएंगे तो आपका फेवरेट बिरयानी हो जाएगा ये। अब इसमें हम मावा भी ऐड कर देंगे, इसी के साथ हम दही भी ऐड कर देंगे फेट के। सारे दही को हमें ऐड कर देना है। अब इसमें हम दूध भी डाल देंगे। नींबू का जूस, फ्राई किया हुआ प्याज। कोलकाता बिरयानी में सारे चीज़ को हमें नीचे ही ऐड करना होता है चिकन के साथ। अब इसमें हम ऐड करेंगे, ये दूध की मलाई है, दूध के ऊपर जो मलाई निकलती है उसको ऐड कर देंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। अब इसमें हम डालेंगे रोज़ वाटर। फ्रेंड्स, मुझे मुगलई मीठा अतर नहीं मिला, मैंने कई शॉप पे मैंने ट्राई किया लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं मिला, तो मैं यहाँ पे केवड़ा एसेंस ऐड करूँगी। इसका भी फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है।
और मेरे घर वालों को फरमाइश थी कि कोलकाता बिरयानी ही मुझे खाना है, तो मैं क्या करूँ, मुझे इसी को डाल के बनाना पड़ा। अब मैं इसमें गरम गरम चावल ऐड कर दूँगी। जो खड़े मसाले हैं उसको मैं निकाल लूँगी। सारे खड़े मसालों को हमें निकाल लेना है। अब मैंने थोड़ा से काजू का पाउडर बचाया हुआ था उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। मावा ये जैफरान वाले दूध है उसको भी ऐड कर देंगे इसी स्टेज पे। देसी घी, ये जो मैंने अखनी से तेल को बाहर निकाल लिया था उसको ऐड कर देंगे। फ्राई किया हुआ प्याज, रोज बटर, यहाँ पे मैं केवड़ा एसेंस ऐड करूँगी, कुछ ड्रॉप्स ही डालना है मुझे। यहाँ पे मैं बटर भी ऐड कर दूँगी। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आटे के हेल्प से इसको सील करके इसका ढक्कन लगा के इसको दम पे चढ़ा दूँगी। और फ्रेंड्स मैंने इसमें आलू बुखारा भी ऐड किया था लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाई। आप आलू बुखारा ज़रूर से ऐड करें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आलू बुखारे से। अब इसका ढक्कन लगा के हमें 20 से 25 मिनट के लिए दम पे रख देना है। 20 से 25 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से बिरयानी कुक हो चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा घर महक उठा है और एक एक दाना खिला खिला सा बना है। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ बिरयानी, देख सकते हैं मैं आपको नीचे से दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बन के तैयार हुआ है। इस बिरयानी की बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्लेवर आती है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। आप इस बिरयानी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा मेरे बताए हुए मेथड से, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा आपका भी बिरयानी। अब इसको हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। फ्रेंड्स मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको बिरयानी बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।